गिरने को तैयार खंभे और दीवारें, दिन दहाड़े सूना पड़ा चूल्हा, घर के द्वार को साफ करती बच्ची, घर के भगवान को पूजता उम्रदराज व्यक्ति और घर के एक कोने में तख्त पर बीमार बैठी महिला, ये सब कुछ मिलाकर जो बनता है वो बिहार के 8वें मुख्यमंत्री का घर है, जिनका नाम था भोला पासवान शास्त्री। बिहार के पूर्णिया जिले के बैरागाछी गांव में है। भोला पासवान 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। पहली बार 1968 फरवरी से जून 1968, दूसरी बार 1969 जून से जुलाई 1969, तीसरी बार 1971 जून से जनवरी 1972। सिर्फ यही नहीं, भोला पासवान शास्त्री 1972 में राज्यसभा सांसद भी मनोनीत हुए और केंद्र सरकार में मंत्री बने, पर कभी निजी संपत्ति में इजाफा दर्ज नहीं हुआ। हमारे गांव का बैरगाछी गांव पड़ोसी थे हम, एकदम साधारण परिवार, मजदूर क्लास के आदमी थे। कि बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके, मगर अपना परिवार को कुछ नहीं कर पाए, समाज सेवा करते रहे सब दिन। ईमानदार मुख्यमंत्री की भतीजी पद्मा का पैर टूट गया। घर में बुनियादी सुविधाओं की कमी है, जैसे तैसे जुगाड़ से काम चला रही हैं। देश में सबको शौचालय मिलने का दावा किया जा रहा है, पर इस घर में शौचालय भी नहीं है। कोनो चीज सरकार मददकारी नहीं करे छे, यारो रोड जे छे ई रक्षा होते पानी लागे छे, रोड नहीं बने छे हमरो, आ यारो पखना लटरी रूम नहीं छे। सरकार के अपना से बनाइए तो हमको पैसा है ये नहीं, हम कैसे बनाएगा? तो सरकार पहले पैसा दो नहीं विकलांग को, तब ना हम बनाएगा। पूर्व सीएम भोला पासवान का अपना परिवार नहीं था, उनके भतीजे ने उनका अंतिम संस्कार किया। वो अब मजदूरी करते हैं, रोज कमाते हैं तो चूल्हा चलता है। अभी हमारे परिवार में तो मजदूरी करते हैं और किसी तरह से पोषण पालन कर रहा है। एक भी एक कट्ठा भी जमीन हम लोगों के पास में नहीं है। इंसान मुश्किल में है, पर घर में परिंदों के लिए ठिकाना बनाया गया है। यही वो संस्कार है जो भोला पासवान जैसी शख्सियत की छाप इस घर पर अभी भी दिखाते हैं। चलते चलते बिहार के वोटर को दो तस्वीरें एक साथ दिखाते हैं। दलित राजनीति के युवा चेहरे चिराग पासवान के घर का एक कमरा और दलित राजनीति के ऐतिहासिक किरदार भोला पासवान का घर।